हाय देयर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि अपने GTA Vice City में चिट मेन्यू किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस बहुत ही सिंपल और इजी है, अपने GTA Vice City में आप इजीली चिट मेन्यू इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसे इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप लोग बताऊँगा। तो गाइस बहुत ही सिंपल है अपने GTA Vice City में चिट मेन्यू को इंस्टॉल करना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि आप अपने GTA Vice City में चिट मेन्यू किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तो पहले मिल सके। तो गाइस GTA Vice City में चिट मेन्यू इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए CLU मोड और GTA Vice City का चिट मेन्यू। तो इन दोनों फाइल्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर अपनी से डाउनलोड कर लेना और गाइस एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सबसे पहले हम CLU के फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को CLU फाइल देखने को मिल जाएगा। CLU ये एक एप्लीकेशन फाइल है, आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को कंफर्मेशन आएगा, तो आपने यस करना है। और गाइस यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपने सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। और जहाँ पे आपने अपना GTA Vice City इंस्टॉल किया है, तो मेरी GTA Vice City की ये लोकेशन है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है मेरा GTA Vice City। तो यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर करना है, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। तो गाइस मेरे पास ये मोड पहले से इंस्टॉल हुआ है, तो मैं कंटिन्यू इंस्टॉलेशन कर दूंगा। और गाइस इसे क्लोज करते हैं हम, और उसके बाद गाइस हम इंस्टॉल करते हैं इसमें चिट मेन्यू। तो गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे ना, तो आपके पास वैसा कंफर्मेशन नहीं आएगा, बस आपके पास एक एग्रीमेंट आएगा, तो आपने उसे एक्सेप्ट कर लेना है, यस करना है, नेक्स्ट करनी है। गाइस यहाँ से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो फोल्डर है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। तो गाइस उससे पहले मैं आप लोगों को इसका स्क्रीन शॉट दिखाया, तो ये हमारा GTA Vice City। तो गाइस इस तरह से कुछ आएगा आपका गेम ओपन होने के बाद, और उसके बाद गाइस इस तरह का इंटरफेस है हमारे GTA Vice City का। तो इसे नेविगेट वगैरह किस तरह से करेंगे तो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। तो गाइस कंटिन्यू इंस्टॉलेशन के बाद हमारा जो मोड है वो इंस्टॉल हो गया, तो हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद तो चलिए गाइस प्ले करते हैं अपना GTA Vice City, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अपने GTA Vice City के चिट मेन्यू को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस ये रहा हमारा GTA Vice City। तो गाइस यहाँ से हमारा जो GTA Vice City है स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए प्रेस करते हैं NM। तो NM प्रेस करने के बाद आपका जो मेन्यू ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों को मेन्यू में नेम के साथ साथ नंबर्स देखने को मिल रहे होंगे, लोकेशन 1, मिशन 2, अपग्रेड 3, व्हीकल 4। तो गाइस इस तरह से आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपने उसका नंबर प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में। तो गाइस मैं यहाँ से व्हीकल मंगवाता हूँ, तो 4 नंबर प्रेस करेंगे, और 4 नंबर प्रेस करने के बाद आपने कौन सा व्हीकल यहाँ पे स्पॉन करना है तो वो आप प्रेस करें। तो मैं 7 नंबर प्रेस करता हूँ, और गाइस यहाँ से मेरी जो बेंच है वो स्पॉन हो गई है। तो गाइस वैसे तो मैंने इसमें कार पैक इंस्टॉल किया हुआ अलग से, जिसकी वजह से हमारी जो बेंच है वो लंबरगिनी में बदल गई है। तो गैस इस मेन्यू को आपने बैक करने के लिए एक्स का बटन प्रेस करना है, और गैस आपने इस मेन्यू को क्लोज करने के लिए एस का बटन प्रेस करना है। तो एस प्रेस करेंगे और हमारा जो मेन्यू है क्लोज हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो गैस, तो इसी तरह से आप अपने मेन्यू से कुछ भी स्पॉन कर सकते हैं, जो मर्जी आप चाहें वो आप अपने मेन्यू से स्पॉन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं अपना टाइम चेंज करता हूँ। तो गैस आपका जो मेन्यू है ना वो कार के अंदर वर्क नहीं करेगा, तो इसे वर्क करने के लिए आपको कार के बाहर आना पड़ेगा। तो अगर NM प्रेस करते हैं, और गैस मैं यहाँ से टाइम में चला जाता हूँ, तो टाइम मशीन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पत्नी को। तो गैस ऐड प्रेस करेंगे हम, ऐड प्रेस करने के बाद गैस यहाँ से आप टाइम देख सकते हो, तो 1:10:30 हो चुका है हमारा। तो यहाँ से आप वेदर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, तो मैं 6 प्रेस करता हूँ, क्योंकि GTA Vice City में कभी भी मैंने डे में रेन नहीं देखा है, तो फाइनली आज मैं देख रहा हूँ। तो गैस अब आपने यहाँ से बैक कर लेना है, तो सिंपल हम यहाँ से एस प्रेस करते हैं और मेन्यू को क्लोज करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गैस हमारा जो GTA Vice City में डे में रेन हो रहा है, तो इससे पहले मैंने आज तक GTA Vice City में कभी भी डे में रेन नहीं देखा था। तो जब भी GTA Vice City में नाइट होता था उसके बाद ही रेन स्टार्ट होता था, पता नहीं क्यों, और एवरी नाइट होता था। तो आज फर्स्ट टाइम डे में हमने GTA Vice City में रेन करवा लिया, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो गैस। और गैस अगर आप लोगों को ये वाला ग्राफिक्स मोड इंस्टॉल करना है ना, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। और गैस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसके ग्राफिक्स जो है वो GTA Vice City को पूरी तरह से चेंज कर देता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है मेरा GTA Vice City का। अगर आप लोगों को ये मोड इंस्टॉल करना है, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। और गैस ऊपर आई बटन पर आप लोगों को इसका लिंक देखने को मिलेगा। तो बस गैस यही था आज के एपिसोड, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।